हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज इस वीडियो में हम लोग IRS यानी IRS ऑफिसर कैसे बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। IRS ऑफिसर जिसे हम इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज बोलते हैं, इसमें अधिकारी आप कैसे बने, इसमें ऑफिसर आप कैसे बने, किस तरीके से आप बन सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में आएंगे, वो सारे चीज़ें, उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक लिजिट पाथ बताऊँगा कि कैसे आप उस पाथ तक पहुंचकर आप IRS का सफ़र कंप्लीट कर सकते हैं। उससे पहले बता दूं कि ये एक्सक्लूसिव चैनल बनाया गया है IRS से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, हम लोग इस आज के इस वीडियो का एजेंडा कुछ ऐसा रहेगा कि आप IRS कैसे बनेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, कितने अटैम्प्ट होंगे, क्या पढ़ाई किए होने हैं आप चाहिए, कौन से बोर्ड से आप हो सकते हैं, और क्या क्या पॉसिबल चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखना है IRS के, और भी बहुत सारे जो भी फ़ायदे वगैरह होते हैं, इन सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंस्टेंटली आप सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज आप भविष्य में रिग्रेट नहीं करेंगे। मैं इस वीडियो को साइड में लेता हूँ और मेरे पास कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के दिमाग में होते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस आपको हमेशा इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में सारे के सारे IRS से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। सो वी विल प्रोसीड विद द क्वेश्चंस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट, सो द थिंग इज कैसे IRS ऑफिसर बने इसके बारे में ये वीडियो है। सो वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डिग्री इज बेस्ट फॉर IRS ऑफिसर, कौन सी डिग्री बेस्ट है IRS ऑफिसर बनने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिग्री से पहले हमें एलिजिबिलिटी मालूम होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी IRS ऑफिसर की ये बोलती है, यानी IRS बनने के लिए, IRS देखिए कोई अलग से एग्ज़ाम नहीं है, ये एक पोस्ट है, तो आपको इसके लिए एक एग्ज़ामिनेशन देना पड़ता है जिसका नाम है UPSC एंट्रेंस एग्ज़ाम। UPSC कंडक्ट करती है, जिसे हम CSE कहते हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो आप ये एग्ज़ामिनेशन जब देते हैं तो आपके मार्क्स के ऊपर आप चूज़ करते हैं कि आपको क्या बनना है। IRS ऑफिसर एक चैलेंजिंग जॉब है, IRS की नौकरी एक चैलेंजिंग जॉब है, काफ़ी एंथुजियस्टिक होना पड़ता है आपको, आपको हमेशा एनर्जेटिक होना पड़ता है, एंड दैट्स द रीज़न आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट देता हूँ। सो वी विल स्टार्ट विद दिस, हम हर एक चीज़ को शुरू करेंगे, बट बिफोर दैट वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी ये है IRS की कि आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी डिग्री के साथ, यानी आपने BSc किया है, BTech किया है, BE इंजीनियरिंग, आपने BCom, BSc, BA, BFM, जो भी आपने कोर्स किया है, एन नंबर ऑफ कोर्स कोई भी आपने किया है, आप एलिजिबल हैं इसके लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डू IRS ऑफिसर गेट कार, क्या IRS ऑफिसर कार पाते हैं। यस, IRS ऑफिसर को सरकारी व्हीकल मिलती है जिसमें वो ट्रेवल करते हैं, अगर कोई उनका ज़रूरी काम है सरकारी काम, तो आप प्राइवेट कामों के लिए आप सरकारी व्हीकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ IAS और IRS बेटर, क्या है IAS बेटर है या IRS बेटर है। अब ये डिपेंड करता है आपकी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर, आपके चॉइसिस के ऊपर। वेल, IAS जो है वो अलग चीज़ है, IRS अलग जॉब प्रोफाइल है। IAS जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करते हैं, वो आप DM वगैरह बनते हैं, जबकि IRS जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो दोनों का फील्ड जो है वो अलग होता है। सो आपके चूज़ के कर सकते हैं कि अगर कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड है तो वो उस चीज़ में करेगा। सो इट्स ऑल अपॉन द पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू IRS ऑफिसर्स हैव यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म उनका होता है, एक नॉर्मल यूनिफॉर्म होता है, कोई पर्टिकुलर यूनिफॉर्म नहीं होता है, बट IRS CNCE जो उनके पास खाकी सेंट्रल एक्सरसाइज विथ स्टार ऑन द सोल्जर्स होते हैं, उनके पास स्टार्स होता है सोल्जर्स के उनके ऊपर, तो IRS ऑफिसर्स के पास अलग से एक ड्रेस होता है जो खाकी वर्दी होती है। इज़ IAS और IRS बेटर, तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, ये डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। What is the age limit for IRS officer? Age limit क्या है। अब age limit आप, मैं assume करता हूँ कि आप बनने वाली age limit की बात कर रहे हैं, okay? तो age limit जो है IRS officer के लिए minimum जो है वो 21 years होती है और maximum 32 years होती है general candidates के लिए। पर अगर आप OBC candidate हैं तो आपको 3 साल का extension मिलता है,
जिसमें आपकी एज जो होती है वो आप 35 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप एससी एसटी कैटेगरी की हैं तो 7 इयर्स का आपको माफ़ कीजिएगा 5 साल का एक्सटेंशन मिलता है। तो 37 इयर्स के एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वॉट इज़ द सिलेबस ऑफ IRS ऑफ एग्ज़ाम? IRS अगेन मैं बता रहा हूँ, IRS एग्ज़ाम अलग से नहीं होती है, UPSC के एग्ज़ाम होती है। उसमें आप जितने परसेंटेज पाते हैं सबसे ज़्यादा IAS बनते हैं, उसके बाद IPS, फिर IFS, IRS, ऐसे ही लोग बनते हैं। डिपेंड करता है कि उन्होंने कितने मार्क्स सिक्योर किए थे। सो सिलेबस जो है UPSC के ऊपर होता है। मेन्स और प्रीलिम्स जो है आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे ओपन करके यू कैन गो थ्रू द कम्प्लीट सिलेबस इफ़ यू रियली वॉन्ट। What do IRS officer do? IRS officer क्या करते हैं, अभी थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं बताऊँगा इसको। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वीडियो को छोटा करूँगा सो दैट इट विल बी मोर विजिबल फॉर यू। ओके, तो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज ऑफिसर जो बेसिकली अलाइन करते हैं इंडियन इनकम टैक्स और कस्टम डिपार्टमेंट्स के साथ। हाउएवर दे आर ऑल्सो डेप्यूटेड टू मेनी अदर एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट्स इन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। IRS officer administer the direct taxes law, ओके, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ वो जो है वो हमेशा बातें करते हैं, उनके साथ वो काम करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिलेबस ऑफ IRS? ये तो हमने पहले कर दिया है। ओके, तो वेयर डू IRS ऑफिसर्स गेट ट्रेंड? तो ज्वाइन करने के बाद IRS ऑफिसर जो ट्रेंड किए जाते हैं नेशनल अकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस NADT बोलते हैं, जो नागपुर में स्थित है, विच इज़ वन ऑफ द प्रीमियर नेशनल अकेडमिक्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, उनकी नेशनल अकेडमी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई है। NADT कंडक्ट्स इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर IRS ऑफिसर्स एंड द फाउंडेशन कोर्स फॉर अदर सर्विसेज एज वेल। तो फाउंडेशन कोर्स अदर दूसरी सर्विसेज हैं उनके लिए भी ये तैयार करते हैं, यहीं पर होती है तैयारी। What is salary? Okay, I don't know how many times it is coming. Okay, is working for the IRS is a good job? Yes, definitely. ये बहुत अच्छा है, challenging job है। अब बात कर लेते हैं eligibility की। तो इसके लिए eligibility है वो ज़्यादा कठिन नहीं है, ज़्यादा simple है, बहुत ही simple eligibility है। eligibility है सिर्फ और सिर्फ आप graduation किए होने चाहिए। अब graduation कहाँ से? तो इसमें कुछ तीन चीज़ें होती हैं, चार चीज़ें बोल सकते हैं। State university, स्टेट यूनिवर्सिटी, और आप डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटीज से भी अगर आपने किया है किसी भी, तो आप एलिजिबल हैं उसके लिए। आप एडमिशन मतलब अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, नथिंग मोर देन दैट। ओके, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग से भी प्रोग्राम किया है, पास किया है आपने ग्रेजुएशन, तो भी वैलिड डिग्री है ये। एज लिमिट मैंने पहले ही बता दिया, जनरल कैटेगरी के लिए 32, OBC के लिए 35 और SC/ST के लिए 37 अटैम्प्ट्स इंपॉर्टेंट है। जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटैम्प्ट मिलते हैं, SC/ST के लिए 9, और माफ़ कीजिएगा, जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटैम्प्ट मिलते हैं, OBC के लिए 9 और SC/ST के लिए एन नंबर ऑफ अटैम्प्ट मिलते हैं। एन नंबर मतलब क्या होता है कि आप 21 से लेके 37 एज तक जितनी बार चाहें उतनी बार एग्जामिनेशन दे सकते हैं, मतलब 17 बार दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो हर साल एक बार होता है एग्जाम, तो 17 टाइम डेफिनेटली अगर आप चाहें तो दे सकते हैं। डज IRS ऑफिसर गेट सिक्योरिटी? क्या सिक्योरिटी मिलती है उन्हें? नहीं, सिक्योरिटी नहीं मिलती है, ज़रूरत नहीं है उन्हें सिक्योरिटी की। पर अगर वो कुछ थ्रेटन है तो उन्हें सुरक्षा मुहैया हो सकती है। बेस्ट बोर्ड कौन सा है? तो बेस्ट बोर्ड जो है, कोई बोर्ड बेस्ट नहीं होता है, हर एक बोर्ड अच्छा होता है, कोई बोर्ड ख़राब नहीं होता। इट्स ऑल अपॉन द पर्सन, बट धीरे धीरे CBSE बोर्ड इज़ बेस्ट आई विल से। बट दूसरे बोर्ड्स जो हैं उन्होंने पिछले 10 साल के कार्यकाल में, मतलब सिस्टम में पूरे 10 साल के टेन्योर में उन्होंने अपने आप को काफ़ी अपग्रेड किया। आज बहुत सारे बोर्ड जो CBSE की डिस्टेंस इतनी थी उनकी CBSE, और आज वो सिर्फ इतने का डिफरेंस है, नहीं तो कोई कोई लेवल अप कर चुके हैं। बिकॉज नीट और JEE मेन जैसे एग्जामिनेशन जो होते हैं, ये काफ़ी सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन है और सेंट्रल लेवल के स्टूडेंट्स उसमें बैठते हैं, कंपटीशन भी सेंट्रल का होता है। तो ऐसे चीज़ों को उनके साथ कॉम्पीट करने के लिए स्टेट्स को अपने बोर्ड को अपग्रेड करना पड़ा, सिलेबस को अपग्रेड करना पड़ा, अपने कैरिकुलम को अपग्रेड करना पड़ा। और आज जो है स्थिति ऐसी है कि CBSE और स्टेट बोर्ड एकदम करीबन सेम हो चुके हैं, पर एकदम सेम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य में ये भी हो जाएगा। सो बेस्ट टाइम टू बिकम IRS ऑफिसर, आई विल से अ सिंपल वर्ड, इसके बारे में क्या है? मैं इसके बारे में कहूँगा एज 21, बिकॉज टाइम नहीं है इसके लिए, कोई टाइम नहीं होती है। आप जब जाके तब सवेरा वाली बात है, बिकॉज आप 21 से एलिजिबल हैं। कितने लोग 21 की एज में ही बन जाते हैं? तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप कब हो रहे हैं कब नहीं। सो डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, सो अगर कोई डाउट है अभी तक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट करें आप, मैं रिप्लाई दूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपकी थोड़ी भी हेल्प की है तो
आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस.